नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं वर्षा और मेरा स्टूडियो साथ रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं मौसम के अपडेट लेकर। थोड़ा सा लेट है लेकिन जानकारी आपको मौसम की जरूर देंगे और आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में मौसम फिलहाल कैसा रहने वाला है और आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ पूर्वानुमान जारी किया गया है, तो ये जानकारी आपको देंगे मौसम को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बीते दिन कहां कहां पर बारिश दर्ज की गई है मौसम विभाग द्वारा, क्योंकि अगर बात करें बीते दिन के लिए भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई थी, लेकिन आज से कुछ दिनों के लिए, तीन दिन की अगर बात करेंगे, पहली 2 तारीख तक मौसम साफ रहने वाला है। तो फिलहाल अगर बात करें कि आज, कल और परसों 3 दिन जो है प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है फिर से मौसम जो है करवट बदलने वाला है और फिर से एक बार प्रदेश में जो है मौसम के रुख बदले हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो बीते दिन कहां कहां पर कितनी बारिश दर्ज की गई है, ये जानकारी आपको देंगे। और मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें अपने क्षेत्र और अपने जिला के बारे में बता सकते हैं कि मौसम कैसा बना हुआ है, बीते दिन मौसम कैसा रहा, ये जानकारी आप हमें दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीते दिन हुई बारिश की। तो नैना देवी में 48.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं गमरूर की बात करेंगे तो 5.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। और जोगेंद्रनगर की अगर बात करते हैं मंडी की, तो 5.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ सुंदरनगर और मंडी में और कांगड़ा में अगर बात करें तो तेज हवाओं के साथ बिजली की गर्जन भी देखने को मिली है। और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अपने क्षेत्र का हाल बता सकते हैं, मौसम कैसा रहा और फिलहाल मौसम अभी कैसा बना हुआ है, ये जानकारी आप दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अभी मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 3 दिन जो है मौसम साफ रहने वाला है, इसके बाद जो है 3 तारीख से फिर मौसम जो है करवट बदलेगा और प्रदेश में मौसम जो है खराब रहने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि 3 और 4 तारीख को मौसम खराब रहने वाला है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस तरह से भी मॉनसून है थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है, जो मॉनसून की रफ्तार है वो धीमी पड़ती जा रही है, लेकिन अभी बात करें तो मॉनसून पूरी तरह से गया नहीं है। सितंबर माह के मध्य तक जो है मॉनसून की वापसी होना शुरू हो जाती है। और अभी पहले सप्ताह की बात करते हैं अगर सितंबर के, तो पहले सप्ताह में जो है बादल बरसने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन जो है 3 और 4 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया गया है जिसमें भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। तो ये 2 दिन जो है प्रदेश में भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं, बिजली की गर्जन और साथ ही साथ तेज हवाएं चलने को लेकर भी बात की गई है। तो अभी 2 दिन जो है मौसम खराब रहेगा, उसके बाद मौसम कैसा रहेगा ये देखना होगा। बाकी आप लोगों के कमेंट भी लेते रहेंगे। और ठाकुर मनदीप जी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं ऊना के मौसम के बारे में, तो ऊना के मौसम की आप बात कर रहे हैं। और इसी बीच सीमा जी है हमारे साथ, हेलो सीमा जी, कैसे हैं आप। और इसी बीच आपको बता दें कि 3 और 4 तारीख को जो है मौसम फिर से खराब रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है और 3 दिन मौसम खराब रहेगा। आगे अगर बात करें तो क्योंकि 2 दिन मौसम के साथ खराब बताए हैं, अगर बीते दिन बारिश होती है तो अगले दिन भी थोड़ा सा मौसम खराब ही रहने वाला है। लेकिन आज भी अगर मौसम की बात करें तो आसमान में बादल भी छाए हुए हैं और धूप भी निकल रही है, और जब से धूप खिल रही है तो थोड़ा सा गर्मी का एहसास भी हो रहा है। और अगर बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में काफी ज्यादा गर्मी हो रही है और उमस भरी गर्मी अभी देखने को मिल रही है। और थोड़ा थोड़ा बीच में अगर बात करें, जब मौसम थोड़ा सा बदलता है तो हवा चलने के साथ थोड़ी सी ठंड भी महसूस हो रही है। तो अभी मौसम का थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है कि मौसम किस ओर जा रहा है, लेकिन अगर बात करें तो अभी हिमाचल प्रदेश में मौसम 3 दिन साफ रहने वाला है। ये अगर प्लेन एरिया की बात करूं, मध्यवर्ती इलाकों की बात करूं या ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करूं, तो सभी जगहों पर मौसम अभी फिलहाल 3 दिन साफ रहने वाला है। 2 दिन फिर से जो है मौसम करवट बदलेगा, बारिश के आसार जताए गए हैं। इसी बीच अब तापमान की बात करते हैं तो ऊना जिला फिर से सबसे आगे है और ऊना जिला का अधिकतम तापमान 34.5 है। बीते 24 घंटों के दौरान ये तापमान जो है बताया जाता है मौसम विभाग द्वारा, तो 34.5 जो है सेल्सियस बना हुआ है ऊना जिला का तापमान। और वहीं केलांग की बात करेंगे तो आपको बता दें कि केलांग का जो तापमान है सबसे कम 10.3। और बाकी लोग जो पूछ रहे हैं यहाँ पर मंडी का पूछ रहे हैं जी, मंडी में भी अभी फिलहाल मुझे लगता है धूप खिली होगी, मौसम थोड़ा सा गर्म होगा, लेकिन 3 तारीख के बाद जो है यहाँ पर मौसम खराब रहने के आसार जो है जताए गए हैं। 2 दिन जो है भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट। इस बीच बाकी जगहों के तापमान की अगर बात करते हैं तो आपको जानकारी दे दें कि शिमला से शुरुआत करेंगे, शिमला का जो तापमान है 16.0 है। शिमला में मौसम कैसा रहेगा मैम, सीमा जी पूछ रही हैं। तो सीमा जी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अगर बात करें राजधानी में तो कभी भी बादल बरसना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी मौसम 3 दिन साफ रहने वाला है।
हल्का अगर बात करें तो आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, तो बारिश बारिश के भी आसार नहीं है, लेकिन धूप और बादलों के आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। लेकिन 3 तारीख से फिर से मौसम विभाग द्वारा जो है मौसम खराब रहने के आसार जताए गए हैं। फिलहाल 3 दिन मौसम साफ रहने वाला है। सुंदरनगर की बात करते हैं, 21.9 है भुंतर का जो तापमान है बीते 24 घंटों के दौरान, 21.8 है, कल्पा का 11.6 है, धर्मशाला का 18.2 है, वहीं ऊना का 24.3 है, नाहन की बात करेंगे 23.4 है, और केलांग की बात करेंगे 10.3 है, और पालमपुर की बात करते हैं 18.5 है, सोलन का 19.6 है, कांगड़ा का 23.1 है, मंडी का 22.6 है, बिलासपुर का 24.5 है, और हमीरपुर का 23.1 है। इसी के साथ चंबा की बात करेंगे 21.4 है, डलहौजी 16.3 है, जुब्बड़हट्टी 19.0 है, और कुफरी की बात करते हैं 14.7 है, कुकुमसेरी 19.0 है, नारकंडा 13.0 है, कोटखाई 18.8 है, और रिकॉम्पियो की बात करते हैं तो 16.5 है, सेवबाग 20.5 है, धौलाकुआ 25.4 है, पौंटा साइड की बात करें तो 26.0 है, और सराह की बात करते हैं 17.5, कसौली 19.1 है। तो इसी बीच अब बात करते हैं कि मौसम जो है अभी थोड़ा सा साफ रहने वाला, लेकिन फिर से मौसम रुख बदलेगा। 3 और 4 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में इस बार हुए नुकसान का जो जायजा जो लिया गया है, काफी ज्यादा नुकसान अभी तक आंका गया है, तो अभी थोड़ा सा अलर्ट अभी भी रहिए, क्योंकि अभी भी लैंडस्लाइड देखने को मिल रहे हैं, जगह जगह से जो है पहाड़ियां दरक रही हैं या पत्थर जो है गिर रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। बाकी मौसम की अपडेट आपको रोजाना देंगे। तो चलिए आज के लिए मुझे लगता है मौसम के अपडेट में इतना ही, जानकारी आपको रोजाना देंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में, आपके जिला शहर के बारे में। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ में वर्षा, धन्यवाद।